हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गैस, आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक अर्जेंट इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ, जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गैस, आज इसमें अर्जेंट अटेंशन ऑल पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो आगे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इंफॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस। तो सबसे पहले, अगर आपने राउंड टू का रिजल्ट नहीं देखा है तो रिजल्ट देख लीजिएगा, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड टू का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तो उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस देखिए। तो गैस, ये नोटिस जारी किया गया है, आप देख सकते हैं, अर्जेंट अटेंशन टू ऑल पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, ने पब्लिश किया था प्रोविजनल रिजल्ट, और गैस अब प्रोविजनल के बाद फाइनल रिजल्ट भी पब्लिश कर चुकी है, ऑफ राउंड टू नीट यूजी 2022 काउंसलिंग ऑन 14 नवंबर ऑन MCC वेबसाइट, फॉलोइंग विच फाइनल रिजल्ट इज पब्लिश्ड ऑन MCC वेबसाइट, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, पहले प्रोविजनल जारी किया गया था, तो एक बार फाइनल भी देख लीजिएगा जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रोविजनल देखा था, ठीक है। अब सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुए हैं, उन सभी को एडवाइज किया जाता है स्ट्रिक्टली कि द काउंसलिंग शेड्यूल एज मेंशन बिलो, ठीक है। तो जो शेड्यूल है वो मेंशन किया गया है नीचे, जिनका भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है। रिजल्ट 15 नवंबर को अनाउंसमेंट हो गई थी रिजल्ट की, और रिपोर्टिंग अब उनको कब से कब तक करनी है, 15 नवंबर इवनिंग 3 PM से रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 22 नवंबर तक गैस ये चलेगी, ठीक है। तो आपको जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में आपको जाना है, रिपोर्ट करना है कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। टाइम रहेगा 15 नवंबर से 22 नवंबर, आफ्टर दैट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, तो इस चीज़ को आपको सोच समझ कर और मान कर चलना है। आगे गाइस, इसके अंदर दिया है, सभी कैंडिडेट्स को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एडमिशन प्रोसेस बाय अलॉटेड कॉलेज शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ द इंट्रा MCC, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल से होगा गाइस, रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ इंट्रा MCC से। एनी एडमिशन टेक थ्रू ऑफलाइन मोड विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड, कोई भी एडमिशन अगर ऑफलाइन मोड में होता है तो उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं जिनका अवैध एडमिशन किया गया था, ठीक है, एक फ्रॉड किया गया था, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, इवन जिनका नीट यूजी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं था, जो एलिजिबल ही नहीं थे, उनका भी एडमिशन हुआ और वो सब पकड़े गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, कोई भी एडमिशन ऑफलाइन मोड में होता है तो उसको ट्रीट किया जाएगा नल एंड वॉइड, इस चीज़ को आपको समझ कर चलना है। तो गाइज, ये आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिस था, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।